actually seen you do that. Oh. Oh, lads, seriously. Thank you, have a good night. Okay, ciao. We just got a call stating that you're being a disturbance to people. Oh, that's a shame. Just making sure you're not really grabbing on people. No, we don't touch them or anything. So you just basically just what? We just say boo and kind of move our arms a little bit. We got a call, so we're gonna try to figure out who called and. And see what they have, and then I'll come back to them. Oh yeah, no worries. Appreciate it. देखो मेरी बात सुनो. आप जब अंदर जाओगे ना, सब कुछ निकल जाना है आपका. Oh no. Hey guys, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई है आपके देख एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली
वाली है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना खौफनाक होने वाली है। तो क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये मेरी दोस्त है आशिमा, और इनका इन्होंने मेरे को बहुत टाइम से कॉल्स मैसेज किए और बताया कि यार एक प्रैंक है बहुत अच्छा दिमाग में, तो यार वो कर दे तो मैं तेरे को मान जाऊँगी। यार मैं आपको बता दूँ प्रैंक क्या है, इनका ही एक भाई है कज़न जो कि पुलिस में है, तो इन्होंने बोला है मुझे कि यार उस पर प्रैंक करके दे। हे गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपके देख एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो गाइस आज की जो है, और मैं आपको ना बहुत दिनों से ना देख रही हूँ, आप उत्तम नगर रहते हो ना मेट्रो स्टेशन के पास में, अभी बात करते हैं उत्तम नगर रहते हो ना मेट्रो स्टेशन के पास में, इतना कैसे पता? इतना क्योंकि मैं आपको हर दिन देखती हूँ ना, इसलिए मेरी ड्यूटी यहीं पे होती है रोज। मैं तो आपको नहीं देखा कभी, नहीं देखा ना? अब देख लो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। देख लिया, बताओ जी काम बताओ क्या है। काम ये है कि मैं आपको पता नहीं कैसे बोलूँ, लेकिन ना मेरे को ना आपसे प्यार सा हो गया है। क्या बातें कर रही हो मैडम, इलेक्शन का दिन है ड्यूटी पे हूँ मैं। इलेक्शन का दिन है ड्यूटी पे हो तो क्या हुआ? अब मैं इतने दिनों से सोच रही थी आपको बताऊँ। तो नहीं है जो उस पे चलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ये प्रैंक व्रैंक सुना है मैंने। नहीं नहीं सर, मैं प्रैंक व्रैंक कुछ नहीं कर रही। अब मैं इतने दिनों से आपको देख रही थी, और देखो मुझे पता भी है, और आपका नाम भी पता है मुझे, पंकज नाम है आपका। कहाँ से पता कर लिया? और आप उत्तम नगर रहते हो मुझे भी पता है। तो मैं क्योंकि मैं इतने दिनों से मैं नोटिस करी थी ना कि मैं आपको आके शेयर करूँ अपनी फीलिंग्स। अब प्यार तो देखो किसी से भी हो सकता है ना, आई होप आप समझोगे मेरी फीलिंग्स को। मैडम मैं बहुत हिम्मत करके आपके पास आई हूँ। क्योंकि आपने मेरा दिल चोरी कर लिया ना, इसलिए तो आप चोर लग रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो आप, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहे हो। मैं ड्यूटी पे हूँ इस टाइम, इलेक्शन का टाइम है, आपने कोई दिक्कत बताओ कोई है परेशानी दूर कर देंगे मैडम। लेकिन फालतू बातें ना करो, मैं आपसे फालतू बातें नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ मैं तो आपको रोज ही देखती हूँ, आप इतने हैंडसम लग रहे हो, सही लग रहे हो। अब बताओ प्यार कोई देख के करना चाहिए ना कि पुलिस वाला है या क्या है, प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं मैडम। ऐसा ना आप, वो लेडीज, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, ठीक है आप चले जाओ। मैं कैसे चले जाऊँ आपसे बिना बात करे? एक काम करो आप ना मुझे अपना नंबर दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी, मैं आपसे बात कर लूंगी फोन पे। मैडम आप यहाँ से चले जाओ ना, मैं कुछ नहीं कह रहा आप, सब निकल जाओ यहाँ से। प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं ना सर। मैडम प्यार मैंने कोई गलती थोड़ा कर दी। अच्छा आपके बीवी बच्चे है क्या, आप शादीशुदा हो क्या? मुझे पता है, ये बताना आपको सब कुछ, मुझे पता है पक्का शादीशुदा नहीं हो। कहाँ से पता कर लिया आपने? आप लग रहे हो ना इतने हैंडसम लग रहे हो, ही नहीं सकते आप शादीशुदा। मैडम मैं ड्यूटी पे हूँ मैं, और आपको पता है आप क्या कर रहे हो अपने साथ, क्या करोगे आप मेरे साथ, आप मेरे को जेल में डाल दोगे? मैं तो अभी कुछ नहीं डाल सकता, आप भी आप लेडीज हो, कोई और होता आपकी जगह तो हो जाता बात। आप मुझे जेल में कैद कर दोगे? मेरे दिल में तो आप ऑलरेडी कैद हो चुके हो। मजाक कर रहे हो आप? मैं मजाक नहीं कर रही आपसे। मुझे लग रहा है कि वो प्रैंक व्रैंक जो करते रहते वो तो नहीं। नहीं मैं आपसे यार एक बात बताऊँ, मैं आपसे मजाक करूंगी ऐसा भाई यार, मजाक करूंगी वो भी एक पुलिस वाले से। अच्छा आपको भरोसा नहीं है तो इनसे पूछ लो। आंटी आप बताओ कि प्यार तो किसी से भी कर सकते हैं ना, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो। देखो वो भी मान रहे हैं, सब एग्री कर रहे हैं जितने लोग बैठे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? दिल पे किसी का जोर तो नहीं है? वोट तो देखो आप जाओ, वोट मैंने वोट डाल दिया है, मैंने आपको वोट डाल दिया। 18 साल की होगी ना, जाके आप वोट डाल। मैं 19 साल की हूँ, घर जाओ। मैंने वोट डाल दिया, देखो मैंने मैंने आपको वोट डाल दिया।